हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे हॉस्टल का जो रूम है उसका पूरा टूर बताऊंगा। ये MNIT जयपुर के अरबिंदो हॉस्टल के अंदर में है, सारे के सारे रूम सिंगल ही हैं यहाँ पे, और मेरा जो रूम है सबसे टॉप फ्लोर पर है। तो चलिए मैं आज आपको मेरे रूम का छोटा सा टूर दिखाता हूँ कि इस रूम में क्या क्या है, कैसा है इसका नज़ारा है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा सिंगल फ्रेम में मैंने अपने रूम का पूरा व्यू लेने की कोशिश की है। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, छोटा सा ये रूम है। इधर में बेड रखा हुआ है, फिर एक चेयर दी जाती है और एक टेबल भी होती है। यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे तो एक और सेक्शन है जिसमें डेली यूजेज की चीज़ें मैं रखता हूँ पूरा। और ये यहाँ पे ये कवर्ड है, आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर में देखोगे तीन काफ़ी बड़े बड़े सेक्शन है। एक सिंगल स्टूडेंट के लिए इजीली अपना सामान रख सकता है, इसमें कपड़े इजीली आ जाते हैं। सेकंड सेक्शन है, थर्ड में आप जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। तो बहुत ही सफिशिएंट स्पेस है इस कवर्ड का, और एक स्टूडेंट के लिए और क्या चाहिए इससे अच्छा। तो काफ़ी अच्छा रूम है। और उसके बाद में यहाँ भी एक आप इजीली अपना डेली यूजेज खाने पीने का सामान रख सकते हैं। मैंने अपना रखा हुआ, ये इंडक्शन रखा हुआ है, ये मेरे जिम वगैरह का सामान है। और ये आप पीछे का व्यू देख सकते हैं इस हॉस्टल का, बहुत ही शानदार व्यू है। यहाँ से BLTC भी आपको दिख जाएगा। ये पूरा हम ही लोगों का हॉस्टल है। ये यहाँ पे पहाड़ है, दो विंडो दी गई हैं, काफ़ी हवा आती है शाम के टाइम में। बट ये सब क्योंकि ये सबसे टॉप वाले फ्लोर पर है तो बहुत गर्मी भी यहाँ पर लगती है, इसलिए कूलर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये बोर्ड देख सकते हैं, ये लैन केबल है। यहाँ पे लैन केबल की पूरी फैसिलिटी होती है, बहुत अच्छी स्पीड आती है। और चार्जिंग पोर्ट है, लैपटॉप चार्ज करने के लिए है। ये मेरी आप टेबल देख सकते हैं जिस पे राइटिंग पैड, बोतल और एक लैपटॉप रखा हुआ है, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए सफिशियंट है। और बस यही है, छोटा सा रूम है, ये छोटा सा रूम है, बहुत अच्छा है। बट सिंगल रूम इतना सफिशेंट स्पेस है सिंगल के लेने के लिए। ऊपर में थोड़ा बहुत एरिया, बट वो किसी काम का नहीं है। उस पर आप कुछ भी पुरानी अगर आपके पास चीज़ें हैं तो वो पटक सकते हो। अब मैं बाहर का थोड़ा सा दिखाता हूँ, बाहर के और भी जो रूम्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बाहर में आमने सामने रूम बने हुए हैं। जैसे ये एक रूम हो गया आपका 714 हो गया, और पूरी गैलरी है, ऐसे पूरी गैलरी आप देख सकते हैं। आमने सामने रूम बने हुए हैं और ऐसे पूरा हॉस्टल बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। देखो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ तो यहाँ से आप हाइट देख सकते हो नीचे कितनी हाइट है। तो गाइस, आई होप आपको मेरा छोटा सा रूम का टूर अच्छा लगा होगा। जो लोग MNIT में आना चाहते हैं वो देख सकते हैं, इस टाइप से सिंगल रूम यहाँ पर मिलता है। और छोटा सा ही रूम है लेकिन सफिशियंट है, सिंगल रूम बेस्ट होता है। और विंडो हॉस्टल का है, ये बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, फूड क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ की। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको छोटा सा रूम का टूर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।